वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मनदीप कौर पनो। आज की जो मेरी वीडियो है वो नैनी के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है कि नैनी में हमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, नैनी में हम एक्सपीरियंस कितना लें और जिसके हमारा वीज़ा सक्सेस रेट 100% हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको पहले कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेरा फर्स्ट बारी कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसे ये कहूँगी कि शुरू से लेके एंड तक देखे, उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब जैसे आपसे बात करने चाहूँगी कि पहले जो होता था केयरिंग ऑफ चाइल्ड और केयरिंग ऑफ हाई मेडिकल नीड्स होता था, उनको इन प्रोग्राम को चेंज करके उसका नाम होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड प्रोवाइडर कर दिया। अब ऐसे इसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हम होम सपोर्ट वर्कर का लें या होम चाइल्ड प्रोवाइडर का, अगर हमने बच्चों के रिलेटिव जा रहे हैं, जैसे हम बच्चों के रिलेटिव जा रहे हैं होम चाइल्ड प्रोवाइडर, तो हमारा चलेगा स्कूल्स का, स्कूल का एक्सपीरियंस चल जाएगा, ठीक है जी। तो क्रच का एक्सपीरियंस चल जाएगा, हॉस्पिटल रिलेटिव चल जाएगा। तो 1 ईयर का होना चाहिए, पेड एक्सपीरियंस, अकाउंट में आपकी बकायदा सैलरी भी आनी चाहिए। तो दूसरा जो एक्सपीरियंस है होम सपोर्ट वर्कर का, होम सपोर्ट वर्कर का जो है उसमें हम डिसेबल ओल्ड एज पर्सन के बेस पर चलेगा। अगर हम किसी पेशेंट की केयर कर रहे हैं वो भी चल जाएगा, पर किसी अनाथ आश्रम और हाउसकीपिंग का कोई इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि बकायदा कनाडा की वेबसाइट में ये लिखा हुआ, अगर हॉस्पिटल रिलेटिव है तब चलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, अगर उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, वो भी अकाउंट में आपकी सैलरी आनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, तो आपका वो एक्सपीरियंस सही माना जाता है। ऐसे क्यों हो गया, बच्चे ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है पर हमारे जो है एम्प्लॉयर हमें अकाउंट में सैलरी नहीं देता है। एम्बेसीज के पास काफ़ी फेक एक्सपीरियंस आके वो काफ़ी सियाने हो गए हैं, उन्हें पता लग गया कि लोग जो हैं मोस्टली पंजाबी, ऑल ओवर इंडिया पंजाबी तो ज़्यादा मेजोरिटी है कनाडा जाने के लिए, मोस्टली नॉर्दर्न इंडियन, सारे नॉर्दर्न हो जाएगा, साउथर्न, ऑल ओवर इंडिया कनाडा को फेवरेट डेस्टिनेशन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर आप कनाडा जाना है तो आप सही डॉक्यूमेंट्स दिए, अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपका 100% वीज़ा पूरा है। अगर आप कुछ भी गलत कहीं से भी अरेंज करके आप एक्सपीरियंस देते हैं तो वहाँ सारी गलती आ जाती है आपकी, वहाँ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वैसा ना करिए, 1 ईयर का पेड एक्सपीरियंस लें। 1 ईयर का अगर आप पेड एक्सपीरियंस लेते हैं तो वेल एंड गुड है, वो भी अगर उससे ज़्यादा हो वेल एंड गुड है आपके लिए। एक है अनाथ आश्रम का और हाउसकीपिंग का आपका एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। जिन्होंने भी पिछले एक्सपीरियंस अगर उनके एम्प्लॉयर उनको देते नहीं हैं तो वो कहें कि हमें बकायदा अकाउंट में सैलरी दिए, तभी आपका यूटिलाइज होगा और तभी आपका कनाडा का ड्रीम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को लाइक करिए।